नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज सीआरबी सर ने लीव मॉड्यूल का ओपनिंग किया है, तो सभी को बधाई हो। और हम पहले सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा रेलवे बोर्ड का, सीआरबी सर का, कि एक और आईटी फील्ड में पर्सनल डिपार्टमेंट का एक मॉड्यूल नया लेके आए, जिससे काम आसानी से होगा। छुट्टी के मामले में थोड़ा सा लोगों को डिले होता था, तो अब बड़ा जल्दी, जैसे पीएफ जल्दी सेंक्शन होता है, छुट्टी भी बहुत जल्दी सेंक्शन हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें रेलवे बोर्ड के जो भी हमारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने, उल्लास सर ने और अनुराग सर ने बड़ा अच्छा बोला था। आज मैं आपको एक शख्स से मिलाना चाहूंगा, जिनका नाम है शमीर शाह, जो पर्सनल डिपार्टमेंट में अहमदाबाद डिवीजन में काम करते हैं। उनका आईटी के बारे में बड़ा अच्छा जानकारी है, और मेरे ख्याल से अहमदाबाद डिवीजन को काफी अच्छा संभाल रखा उन्होंने। तो मैं चाहूंगा कि वही इस लीव एप्लीकेशन के बारे में बताएं, कैसे छुट्टी सेंक्शन करना है, प्रैक्टिकली करके दिखाएं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं उनको बुलाता हूँ, प्लीज समझ। जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया, मैं कार्यालय अधीक्षक के तौर पर कार्मिक विभाग में अहमदाबाद मंडल में कार्यरत हूं। तो दोस्तों, ज्यादा आपका समय न लेते हुए, जैसे सर ने भूमिका में बताया कि लीव मॉड्यूल जो नया दिया है हमको रेलवे बोर्ड ने, तो आज आपको किस तरह से लीव आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। दोस्तों, RB 94/23 के अनुसार 1 अगस्त 2023 से अब से जो लीव है वो ऑनलाइन ही लेनी होगी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि लीव किस तरह से अप्लाई करना है HRMS में। तो पहले मैं एक एम्प्लॉय की आईडी खोल लेता हूं। OTP डाल दिया है दोस्तों, इसे वेरीफाई कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा HRMS जो है वो ओपन हो गया है। दोस्तों, HRMS में लेफ्ट साइड में जो मेनू दिया हुआ है, आपको उस मेनू में जाना है और लीव मैनेजमेंट जो यहां पर मेनू में लिखा हुआ है, लीव मैनेजमेंट पर क्लिक करना है आपको। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको स्क्रीन दिखेगी लीव मैनेजमेंट की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल दिया है, इसमें जो ये आपको ये जो ऊपर के जो दिख रहे हैं, ये एम्प्लॉय के लिए हैं। मतलब कर्मचारी अपने लीव बैलेंस देख सकता है, कर्मचारी अपना लीव एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, अपना लीव एप्लीकेशन कितने पेंडिंग है, किसके पास है, वो देख सकता है। और जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पूरा जो है ये ऑफिस यूज के लिए है, जिसमें आपके जो लीव क्लर्क हैं और आपका जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है आपके, वो किस तरह से सेंक्शन करेंगे, आपका इनिशियल बैलेंस कैसे अपडेट होगा, वो सब जो कार्यालय में काम जो करने हैं डीलिंग क्लर्कों को, ये उनके लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, फॉर ऑफिस यूज। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे माई लीव बैलेंस। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लीव बैलेंस में LAP और LHAP दिखा रहा है। अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं दोस्तों, ये जो लीव बैलेंस है अभी, ये लीव बैलेंस आईपास में जो सबमिट किया हुआ था, आईपास में जो डेटा फीड किया हुआ था, उस डेटा को HRMS में फेच कर दिया गया है। ये डेटा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो लीव है वो सही है या गलत, वो किसी को नहीं पता है। ऑलमोस्ट आईपास के अंदर अपडेट नहीं होती है। तो आपको प्रोविजनल ये दिया हुआ है बैलेंस, और यहां पे आप देख सकते हैं CL, CCL और RH, ये तीनों खाली बता रहे हैं। तो दोस्तों, CL, CCL और RH, CCL तो जो बाबू है, क्लार्क है, वही डालेगा। CL और RH अभी कर्मचारी को खुद को ही डालना है, क्योंकि ये साल के मध्य में मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिक बैलेंस जो CL का और RH का है नहीं आएगा।
ये 1/1/2024 से अपने आप जो सीएल और आरएच का बैलेंस है वो आपको दिखने लगेगा दोस्तों। तो ये आपने देखा आपका लीव बैलेंस है, लीव एप्लीकेशन, माय लीव एप्लीकेशन में अगर आपने कोई लीव एप्लीकेशन की हुई है, आप इसे यहां पर दिया हुआ है कौन सी लीव है क्या है, ये पूरा ड्रैग लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, साल देख सकते हैं कौन सी साल की है लीव, और लीव स्टेटस देख सकते हैं जिसमें पेंडिंग, सेंक्शन, रिजेक्ट और विड्रॉन, यानी जो जो आपका ये होगा वो पूरा यहाँ पे डेटा ये फाइंड दबाने से दिखाएगा। अब जैसे कि ये पहले से देखो, ये एक लीव अप्लाई की हुई थी, आपने सीएल किया हुआ था और उसे विड्रॉ कर दिया है, तो ये मुझे दिखाएगा यहाँ पे कि मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशन है की है, वो पूरा डेटा दिखाएगा मुझे यहाँ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं हमें लीव किस तरह से अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले न्यू लीव एप्लीकेशन में। न्यू लीव एप्लीकेशन आप क्लिक करते ही आपको इस तरह से डेटा दिख जाएगा, एम्प्लॉय का नाम, उसका डेजिग्नेशन, यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप जो है वो लियन, और उसकी ज्वाइनिंग डेट, उसकी रिटायरमेंट डेट, ये सब कुछ आपको दिखने लगेगा। व्यू पास्ट सेंक्शन लीव, व्यू फोर्थकमिंग हॉलीडेज, व्यू माई लीव बैलेंस और माई लीव अंडर अप्रूवल, ये सारे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें फोर्थकमिंग हॉलीडेज का अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लीव जिस तरह से अपडेट होता जाएगा, ऐसे ऐसे आपको ये सारी सुविधाएं इसमें दी जाएगी। तो दोस्तों ये देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है नेचर ऑफ लीव। दोस्तों नेचर ऑफ लीव में आप क्लिक करेंगे प्लीज सिलेक्ट, तो यहां पर आपको ड्रैग लिस्ट में जितनी भी लीव्स हैं सारी आपको दिखेगी, जैसे सीएल है, आरएच है, एलएपी है, एलएचएपी है, चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर भी है, और इस तरह से जितनी भी लीव है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो दोस्तों आइए पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीएल किस तरह से अप्लाई करनी है। जैसे मैंने अभी ये सीएल सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए दोस्तों आप जैसे ही सीएल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि योर लीव बैलेंस फॉर सीएल इज नॉट येट अपडेटेड, प्लीज एंटर द करंट लीव बैलेंस एज ऑन डेट। ये जब आप पहली बार एचआरएमएस में लीव अप्लाई करेंगे ये तभी आपको ये मैसेज दिखेगा, जब ऑटो अपडेट होने लगेगा तब ये आपको मैसेज नहीं दिखेगा। तो दोस्तों सीएल को जैसे यहां पर करंट लीव बैलेंस लिखा है, ये देखो, ये पहले आप ये देखो प्लीज सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सीएल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाएगा एंटर सीएल इनिशियल बैलेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जिम्मेदारी से अपना जो सीएल का बैलेंस है, आपको जो भी मिलती है, 8 मिलती है, 10 मिलती है, तो अभी तक आपने जैसे मान लो 2 सीएल ली है, 3 सीएल ली है, जो भी ली है उसको माइनस करके और आपको इसमें से जो बाकी सीएल बची है वो एंटर करना है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मुझे 8 मिलती है, मैंने अभी तक 1 सीएल ली है, मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा, 7 मैंने मेरा बैलेंस बता दिया दोस्तों। अब लीव फ्रॉम में जैसे मुझे 1 दिन की सीएल लेनी है, तो मान लो ये मैंने फ्राइडे की सीएल ले ली 4 तारीख, और 1 दिन की लेनी है तो यहां पर भी मैं 4 तारीख सिलेक्ट करूंगा, यहां पे लिखा हुआ आपको दिखेगा दोस्तों 1 दिन, 1 डे। ठीक है, अब दोस्तों उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब यहां पे आ रहा है एचक्यू लिविंग परमिशन रिक्वायर्ड। दोस्तों ये हमें जरूर लेनी चाहिए, अगर हम हमारे हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप हेडक्वार्टर छोड़ के बाहर कहीं जा रहे हो तो इसे यस करोगे, जैसे ही यस करोगे दोस्तों तो यहाँ पे एचक्यू लीव फ्रॉम का डेट पूछेंगे आपको, और देखिए दोस्तों यहाँ पे गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव भी बताया है। अब एक्स इंडिया लीव मतलब ये होती तो अपनी नॉर्मल लीव ही है, यहाँ पे जैसे ही आप एक्स इंडिया लीव करोगे तो वहां नीचे एक्स इंडिया लीव की भी डेट पूछेगा कि भाई कब से आप एक्स इंडिया यानी भारत छोड़कर जा रहे हो और कब वापस आ रहे हो। ठीक है, तो अभी तो हमें भारत के बाहर कहीं नहीं जाना है, इसे मैं नो कर देता हूं। देखिए दोस्तों एचक्यू लीव फ्रॉम लिखा है, मैंने 4 तारीख की सीएल ली है, तो मैं यहां पर डेट सिलेक्ट कर सकता हूं कि भाई मैं 4 को ही बाहर जा रहा हूं, या तो हो सकता है मैं 3 को, 3 भी सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं 3 को रात को निकल जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और वापस आऊंगा 5 को सुबह में। दोस्तों ये मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, इसमें कहीं कुछ कमी या कुछ हो आप क्रिस की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर चलें। अब ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड लिखा हुआ है यहां पर, मतलब मैं
किस ग्राउंड पे लीव मांग रहा हूं, तो आप जिस भी हिसाब जो भी काम के लिए बाहर जा रहे हो आप लिख सकते हो। मैं अभी यहां पर लिख देता हूं पर्सनल वर्क, ठीक है दोस्तों। एड्रेस, एड्रेस में अगर मैं घर पे ही हूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे होम एड्रेस, लेकिन मैं यहां बाहर जा रहा हूं, मैंने लीव लिविंग परमिशन एचक्यू लिविंग परमिशन ली हुई है, तो मैं जहां पे भी जा रहा हूं, मान लो अहमदाबाद से बाहर जा रहा हूं, तो जहां जा रहा हूं वहां का मुझे यहां पे एड्रेस लिखना है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं वडोदरा जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे नीचे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग यहां पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहां पे कंपलसरी नहीं है। अब यह महत्व की बात आती है दोस्तों, फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू। दोस्तों यहां पे आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान रखना है, आपके सुपरवाइजर या आपके जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिनको आपको पता होना चाहिए कि आपको किसे भेजना है, यहां पे क्लिक करके उनके नाम के पहले तीन अक्षर लिखोगे तो उनका पूरा नाम आ जाएगा। अब मैं यहां पर मेरे सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम लिखता हूं, ठीक है दोस्तों, मेरे सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम आ गया है। और ये पूरा फॉर्म इस तरह से भरने के बाद मैं इसे सबमिट एप्लीकेशन कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, योर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड फॉरवर्डेड टू अथॉरिटी संदीप, जो मेरे साहब हैं एपीओ साहब, मैंने उसको यहां पे भेज दी है दोस्तों। अब यह लीव जो है, लीव मैनेजमेंट में जाके मैं मेरा माई लीव एप्लीकेशन खोलूंगा और वहां पर फाइंड करूंगा, तो देखिए यहां पर ये एक सीएल जो अभी मैंने की थी 3 तारीख की, और एचक्यू लीव फ्रॉम और एचक्यू लीव अप टू, एक दिन की सीएल है दोस्तों। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे व्यू दिखाएगा, आप उसे देख सकते हो, ये आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में दिखेगी यहां पर कि आपकी डिटेल दिखेगी, आपने कौन सी तारीख की, आपका नेचर ऑफ लीव और जो भी है सब दिखेगा, आपने पेंडिंग विथ भी दिखाएगा आपको कि किसके पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर एक विड्रो का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आप इसे चाहे तो, जैसे मतलब आपने इसे सबमिट कर दिया और फिर आपका जाना कहीं कैंसिल हो गया, आपको छुट्टी नहीं लेनी है, तो आप इसे विड्रो भी कर सकते हैं, विड्रो की यहाँ पे फैसिलिटी भी दी हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं, मैंने जो मेरी सैंक्शनिंग अथॉरिटी को जो लीव भेजी है, मैं अब उनका आईडी ओपन करता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मेरे सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उनका आईडी मैंने खोल लिया है यहां पर। अब जो अधिकारी है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो लीव मैनेजमेंट नहीं खोलेंगे, उनको जाना है वर्क फ्लो में, वर्क फ्लो में पेंडिंग अप्रूवल टास्क में, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगी, यहां पर लिखा हुआ है व्यू ऑल पेंडिंग अप्रूवल्स, इसे क्लिक करना है, माफ कीजिएगा दोस्तों, सेंक्शन करने के लिए ऑफिस यूज का आपको देखना है। अब जैसे ये लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विथ मी, मतलब मेरे जो सेंक्शनिंग अधिकारी है उनके पास 2 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, तो यहां पे 2 दिखाएगा, एक होगी तो एक दिखाएगा, जितनी भी एप्लीकेशन उनके पास आई होगी यहां पे उसको नंबर के हिसाब से दिखा देंगे। अब जो मेरे अथॉरिटी है वो लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विथ मी को ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 लीव दिखा रही है, एक चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है और एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है। ये जो 4 तारीख की लीव मैंने यहां पर जो अभी अभी सबमिट की थी वो यहां पर दिखा रही है। इसमें लास्ट में ये एक्शन दिखेगा, एक्शन को ओपन करना है, तो जैसे ही वो एक्शन ओपन करेंगे, ये देखिए मेरा पूरा यानी कर्मचारी का पूरा यहां पे डेटा दिख जाएगा उनको, नेचर ऑफ लीव किस प्रकार की है, इनिशियल लीव बैलेंस अप्लाइड जो 7 महीने किया था वो 7 दिखा रहा है यहां पर, और दिनांक और ये सारा जो मैंने जो पर्सनल वर्क लिखा था, और ये पूरा यहां पर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसे दिखेगा। अब दोस्तों एक्शन,
सेंक्शनिंग अथॉरिटी यहाँ पे नीचे आएंगे, एक्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो फॉरवर्ड, एक सेंक्शन और एक रिजेक्ट। मतलब अगर सेंक्शनिंग अथॉरिटी इसे रिजेक्ट करना चाहे तो सीधे सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड करना चाहे मतलब हायर अथॉरिटी के पास कि भाई उनको सेंक्शन नहीं करना है, या तो उनको गलती से उनके पास चली गई और दूसरे किसी को भेजना है, तो वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे खुला रखा हुआ है लीव मॉड्यूल में। अब उनको सेंक्शन करना है तो वो सेंक्शन सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही सेंक्शन सिलेक्ट करेंगे, उनको जो सीएल का इनिशियल बैलेंस जो कर्मचारी ने डाला है उसको वेरीफाई करने के लिए पूछेंगे। वेरीफाई सीएल इनिशियल बैलेंस, उसको सिलेक्ट करते ही यहां पे दो ऑप्शन आएंगे, सीएल इनिशियल बैलेंस वेरीफाइड और सीएल इनिशियल बैलेंस इज रॉन्ग, दो ऑप्शन दिखेंगे। अब अगर उनको वेरीफाइड करना है तो वो वेरीफाइड कर देंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है करके यहां पे रिमार्क्स मार के और वो सबमिट कर देंगे। और अगर वो सीएल इनिशियल बैलेंस रॉन्ग करते हैं तो यहां पे एक और ऑप्शन खुल जाता है दोस्तों, करेक्ट सीएल इनिशियल बैलेंस इज, मतलब जैसे कर्मचारी ने जो 7 का बैलेंस डाला था यहाँ पे, अगर सेंक्शनिंग अथॉरिटी या सुपरवाइजर को वो गलत लगता है कि भाई नहीं 7 नहीं, इनके पास तो 6 ही है, तो वो यहाँ पे करेक्ट करके 6 डाल सकते हैं और अपना रिमार्क्स लिख के इसे ये सबमिट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, लीव अप्लाइड इज सेंक्शन सक्सेसफुली। अब देखिए यहां पे जो पहले 2 दिख रहे थे अब वो 1 ही दिख रहा है दोस्तों। अब मैं फिर से कर्मचारी की आईडी में जा रहा हूं, यहां पे आपको लीव मैनेजमेंट माय लीव एप्लीकेशन ये फाइंड किया। ये देखिए दोस्तों, यहां पे आपको ये दिख जाएगा, पहले 1 विड्रॉ किया हुआ था उसमें स्टेटस दिखा रहा है विड्रॉन, और अभी जो लीव सबमिट की थी वो सेंक्शन कर ली है, तो यहां पे दिखा रहा है स्टेटस में लीव सेंक्शन। दोस्तों लीव सेंक्शन होने के बाद भी इसमें एक फैसिलिटी और दी गई है, कैंसल। मतलब आपने लीव तो ले ली अब, लेकिन जैसे आपको कहीं जाना था या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज मेरे को काम नहीं है तो मेरे को ऑफिस जाना है, आप ऑफिस जाते हो तो आपको लीव कैंसल करने का भी यहां पे प्रावधान दिया गया है। और ये मैं व्यू कर रहा हूं, तो ये देखिए इसमें सब दिख जाएगा जो डिटेल पहले दिख रही थी, इसमें लीव आईडी दिख गई, सब दिख गई, नेचर ऑफ लीव है ना, बैलेंस दिख गया मेरा 7 का है, ठीक है, पेंडिंग विद अभी कहीं नहीं है, सेंक्शन बाय लिखा हुआ है, लीव सेंक्शन का स्टेटस है यहाँ पे, और नीचे प्रीवियस रिमार्क्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपकी एक जो लीव है वो सेंक्शन हो गई है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब मैंने ओपन किया था तब सिर्फ एलएपी और एलएचएपी दिख रही थी, अब आप यहां देख सकते हैं मैंने 7 सीएल डाली थी मगर मेरे सेंक्शनिंग अधिकारी ने उसे सुधार कर 6 की है और 1 मेरी लीव सेंक्शन हुई है, मतलब 6 में से 1 लीव मेरी ली, मतलब ये 5 बैलेंस दिखा रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है इस लीव मॉड्यूल के अंदर दोस्तों। आइए दोस्तों आगे अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम रेस्ट के आसपास सीएल लेते हैं। कई होते हैं ना कि भाई 1 दिन का रेस्ट पड़ा और एक उसके 1 दिन पहले कोई हॉलीडे है, और तो हम आसपास के 2 दिन की सीएल अप्लाई करते हैं, तो हमको क्या है 2 सीएल में 4 दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये तरीका भी इसके इस लीव मॉड्यूल में दिया हुआ है दोस्तों। एक बार फिर से मैं जाऊंगा न्यू लीव एप्लीकेशन में, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ लीव मैं फिर से सीएल सिलेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अब वो मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब एक बार मैंने मेरा इनिशियल बैलेंस डाल के मेरे सेंक्शनिंग अथॉरिटी ने उसे वेरीफाई कर दिया, तो अब वो बैलेंस यहाँ पे मुझे दिखाता रहेगा। तो दोस्तों मान लो कि 11 तारीख को फ्राइडे है, मैंने फ्राइडे की 1 दिन की सीएल यहाँ पे सिलेक्ट की। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए लीव अप टू लिखा है, तो आप जैसे 11 तारीख को और फिर सैटरडे संडे आ रहे हैं और 14 तारीख की यहाँ पे कर दोगे तो वो आपकी जैसे ये 12 13 ये 14 कर दोगे आप, तो यहाँ पे 4 दिन की सीएल हो जाएगी।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एक दिन की सीएल देनी है रेस्ट के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये 11 तारीख का फ्राइडे है, मैंने 11 तारीख का सीएल सिलेक्ट किया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एड अनदर लीव लिखा हुआ है, ये प्लस का निशान है, आप यहां पे देखेंगे यहां प्लस का निशान है, एड अनदर लीव, ठीक है। आप उसको क्लिक करोगे तो नीचे एक और लेवल ओपन हो जाएगा, ये हो गया लेवल वन, ये हो गया लेवल टू। अब ये 11 तारीख की सीएल तो हमने कर दी, अब फिर एक सीएल लेनी है। अब वो सीएल है 12-13 को, सैटरडे संडे है, और 14 तारीख को मंडे है। मैंने 14 तारीख सिलेक्ट किया यहां पर, वो भी मैं एक ही दिन की लूंगा सीएल, वन डे, ठीक है। अब 15 तारीख को हॉलीडे आ रहा है, मतलब 15 अगस्त आ रही है, ठीक है। तो एक और सीएल ले रहा हूं मैं, तो मेरे को 6 दिन की छुट्टी 3 सीएल में मिल जाएगी, ठीक है। तो एड अनदर लीव, दोस्तों यहां पे आपको 3 बार एड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, आप 3 अलग अलग लीव एक साथ ले सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं ले सकते दोस्तों, ठीक है। अब ये सीएल सिलेक्ट कर लिया यहां पे, अब 15 अगस्त की छुट्टी है तो मैं 16 तारीख सिलेक्ट करूंगा, 16 अगस्त सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों ये मैंने 3 अलग अलग दिन की सीएल रखी है। अब इस दौरान यहां पे आपको दिखेगा क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, मतलब ये जो आप सीएल ले रहे हो 11, 14 और 16, तो इसके जो बीच का पीरियड है, इसके बीच के जो दिन है वो क्या है, तो उसके लिए दोस्तों ये फैसिलिटी यहां पर दी गई है। आप जैसे ही इसको यहां पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखा देगा बीच के जो पीरियड है, जो बीच की डेट है वो आपको यहां पर शो कर देगी कि भाई 12 तारीख, 13 तारीख और 15 तारीख, ये 3 हमने नहीं डाला है, हमने 11, 14 और 16 डाली है। तो दोस्तों आप सैटरडे को, हो सकता है जैसे लाइन स्टाफ है तो उसका हॉलीडे हो सकता है, जैसे हमारे मंडल कार्यालय में वीकली ऑफ होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, हॉलीडे या वीकली ऑफ। तो मैं यहाँ पे सैटरडे का वीकली ऑफ सिलेक्ट करूंगा, संडे का भी मैं मेरा वीकली ऑफ सिलेक्ट करूंगा, और जो ट्यूजडे है इसमें मैं हॉलीडे सिलेक्ट करूंगा। दोस्तों ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये अपडेट करना रहेगा, यदि आप अपडेट नहीं करोगे तो आपकी जो लीव है वो आगे सबमिट नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए आप यहां पर अब इंटरवीनिंग पीरियड डिटेल्स दिखा रहा है, उसमें वीकली ऑफ डेज में 12 तारीख और 13 तारीख दिखा रहा है, और हॉलीडेज में 15 तारीख दिखा रहा है। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, आपको हेडक्वार्टर लीव करना है, आप यहाँ पे यस कर दें, कब से कब लीव करना है, मैंने 11 तारीख से ली है, मैं 10 तारीख को अगर हेडक्वार्टर लीव करता हूँ, यहाँ पे 10 तारीख सिलेक्ट कर ली, 16 तारीख तक की मेरी सीएल है तो मैं वापस आ रहा हूँ, 17 तारीख सिलेक्ट कर ली, यहां पर मैं लीव का रीजन डाल दूंगा पर्सनल वर्क, ठीक है दोस्तों, यहां पे लिख दूंगा मैं मुंबई, भाई 6 दिन की छुट्टी है, बाहर जा रहे हैं मुंबई, ठीक है। अब यहां पर कोई डॉक्यूमेंट मुझे अगर अपलोड करना है तो मैं कर सकता हूं, अदरवाइज फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, ये फिर ये आ गया, यहां पे मेरे जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको मैं मार्क करूंगा। अब दोस्तों एक बात और बतानी है, मान लो कि मेरे जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है, मुझे जिस दिन लीव चाहिए, मान लो वो उस दिन वो खुद कहीं छुट्टी पर है या सिक में है या कहीं बाहर गए हुए हैं, तो दोस्तों उनकी वाइस में, जो पेयरिंग में जो दूसरे सेंक्शनिंग अथॉरिटी होंगे, मैं उनका भी यहां पर सिलेक्ट करके उनको भी मैं सबमिट कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों। और अगर कर्मचारी का जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है वो कोई दूसरे यूनिट में है, लियन यूनिट उनका दूसरा है, और उनकी जो लीव है वो सेंक्शन करते हैं, उसके लिए यहां पे दिया गया है मॉडिफाई सर्च रेंज, तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा दोस्तों, मॉडिफाई सर्च रेंज, ये देखिए आपको जोन, डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, प्राइमरी यूनिट, ये सब दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये बताया वेस्टर्न रेलवे है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, और ये अहमदाबाद डिवीजन है। अब अहमदाबाद डिवीजन मेरा जो सेंक्शनिंग अथॉरिटी है वो वर्कशॉप में है, साबरमती वर्कशॉप, मैं इसको अगर साबरमती वर्कशॉप करके प्रोसीड कर दूंगा इसको, तो दोस्तों मैं यहां पर फिर साबरमती वर्कशॉप के जो भी सेंक्शनिंग अथॉरिटी है उनका नाम लिखते ही यहाँ पे उनका नाम भी आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये भी एक अच्छी फैसिलिटी दी है कि दूसरे डिवीजन या कहीं और के यूनिट के अगर हमारे सैंक्शनिंग अथॉरिटी है तो हम मॉडिफाइड सर्च रेंज में जाकर उन्हें भी भेज सकते हैं।
अभी मैं इसे वापस डिवीजन कर देता हूं, प्रोसीड, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये जो 3 दिन की सीएल है ये मैं यहां पर सबमिट करता हूं, एम्प्टी, प्लीज फिल दोस्त। अब देखिए दोस्तों कुछ भी यहां पे जैसे ये फॉरवर्ड एप्लीकेशन रह गया है तो इस तरह से आपको एरर का मैसेज दिखा देगा कि इन फील्ड में से कुछ भी अगर फील्ड भरने का छूट गया है आपसे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगी। अब मैं मेरे सेंक्शनिंग ऑथोरिटी को इसे सबमिट कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, ये मेरी जो लीव एप्लीकेशन है वो मेरे सेंक्शनिंग ऑथोरिटी के पास पहुंच चुकी है। अब दोस्तों मेरे सेंक्शनिंग ऑथोरिटी का फिर आईडी मैंने खोल लिया है और लीव एप्लीकेशन पेंडिंग विथ मी में यहां पर वापस 2 हो गया है, पहले 1 हो गया था। ठीक है दोस्तों इसे ओपन किया, ये देखिए आप यहां पर लीव टाइप सीएल 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 मैंने 3 दिन की रखी है, 11 से 16 तारीख, लीव डेज बता रहा है 3, 11 से 16 है लेकिन लीव डेज बता रहा है 3। ठीक है दोस्तों एचक्यू लीव अप्लाइड मैंने यस किया हुआ है और आज की डेट है पेंडिंग, सिंस कब से पेंडिंग पड़ी है वो भी डेट बताएंगे दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्शन में जाएंगे, ये देखिए दोस्तों ये मेरी लीव बता देगी यहां पर पूरी व्यू, ये देखिए व्यू द एम्प्लॉइज लीव अंडर द अप्रूवल, ये आपको यहां पे दिखा देगी, नाम दिखा देगा, नेचर ऑफ लीव, लीव टाइप है और एचक्यू लीव कब से कब तक है और लीव कब से कब तक की है, ये सारी सारी जानकारी यहां पर दे देगा और पेंडिंग किसके पास है उसका नाम भी यहां पे दिखा देगा, पेंडिंग विथ भी बता देगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहां पे भी इनको पूरी डिटेल दिखाएगा, 12/8 और 13/8 का वीकली ऑफ है, 15 तारीख का होलीडे है और इसलिए ये 3 सीएल यहां पर ली गई है। ठीक है दोस्तों फिर वही तरीके से सेम फॉरवर्ड सेंक्शन और रिजेक्ट, ये 3 चीज दिखाएगी यहां पर। ठीक है दोस्तों मैं सैंक्शन करता हूं, प्लीज एंश्योर बिफोर सैंक्शनिंग द लीव दैट यू आर द लीव सैंक्शनिंग ऑथोरिटी फॉर दिस एम्प्लॉय फॉर दिस लीव टाइप एंड ड्यूरेशन एज पर लीव रूल एंड अदर एक्सटेंड इंस्ट्रक्शन, ये आपको एक यहाँ पे पॉपअप में मैसेज देगा कि भाई आप इसके सैंक्शनिंग ऑथोरिटी हैं या आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, इसे कंफर्म कर लीजिए कि भाई आप ही सैंक्शनिंग ऑथोरिटी है, कितने दिनों की है तो इतने दिन की आप सैंक्शन करने का आपके पास पावर है कि नहीं है, वो सब आप कंफर्म करने के बाद इसे सैंक्शन कीजिए दोस्तों। ये सैंक्शन और ये मैंने सबमिट कर दिया, ये हो गया दोस्तों सैंक्शन सक्सेसफुली। अब आइए दोस्तों फिर से एम्प्लॉय की आईडी खोलते हैं, लीव मैनेजमेंट में जाते हैं। अब यहां पर कर्मचारी का लीव बैलेंस देखिए, अब यहां पे 2 हो गया, 5 था, 5 में से 2 हो गया। ठीक है दोस्तों दोस्तों लीव मैनेजमेंट में आप न्यू लीव एप्लीकेशन में जाके जैसे कई जगहों पे हाफ डे सीएल वगैरह का नहीं होता है लेकिन कई जगहों पे जैसे मंडल कार्यालयों में हाफ डे सीएल भी होता है तो वो भी आपको दिखा देता हूं। सीएल सिलेक्ट करना है, अब मेरा यहां पर कर्मचारी का 2 दिन बैलेंस बता रहा है। अब मान लो कि आपको जैसे 3 तारीख को आफ्टरनून चाहिए या फोरनून चाहिए, ठीक है तो यहाँ फोरनून है और ये 3 तारीख हम यहां पर भी फोरनून सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे हाफ डे 0.5 डे, अगर यहाँ पे आफ्टरनून करेंगे तो ये 1 दिन हो जाएगा। ठीक है सेम अगर इसको आफ्टरनून चाहिए तो ये आफ्टरनून, ये 0.5 डे हो गया दोनों तरफ, मतलब आप हाफ डे सीएल भी इसी तरह से सैंक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी आज दी है, लीव किस तरह से सैंक्शन करने के लिए सबमिट करनी है, ऑफिसर जो होते हैं सैंक्शनिंग अधिकारी किस तरह से उसको सैंक्शन करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत ही काम आएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है ये और आगे भी इसमें और अपडेट होते रहेंगे तो हम टाइम टू टाइम आपको इसी तरह से वीडियो बना के जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपना लाइक दे। थैंक यू सो